नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी एंड कीप वॉचिंग इंडिया फायर न्यूज। आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जिस हस्ती को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई टीवी सीरियल में देखा होगा, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ आपने दूरदर्शन के कई सीरियल में देखा होगा। सुशील परवाना जी हमारे साथ बैठे हैं और आज हम आपको रूबरू कराएंगे उनकी खट्टी मीठी यादों से। सुशील परवाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको हजारों लाखों दर्शक जानते हैं जी, और आप दिल्ली के मंडी हाउस से आपने लाइफ की शुरुआत करी, लेकिन जैसे कि एक्टिंग है ये आपको विरासत में मिली थी ये मान के चला जाए, क्योंकि आपके पिताजी भी इसी फील्ड से थे। और आपकी जो कुछ खट्टी मीठी यादें रहीं उनसे हम रूबरू कराना चाहते हैं अपने जो इस वक्त देखने वाले लोग हैं। एक्चुअल में क्या था कि मेरा जब बिजनेस बैठ गया था तो मैंने सोचा अब सोने में भी हाथ डालना तो मिट्टी हो रहा है, तो मैंने कहा छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, जो भी होना है अब ईश्वर ही करेगा। मैं टीवी देख रहा था, मेरी मिसिस अखबार पढ़ रही थी, तो उसके अंदर एक ऐड निकली थी कोक के फूल की। तो मेरी मिसिस ने कहा जी एक बात कहूँ मैं आपको, मैंने बोलो, कहना एक ऐड निकली है कोक के फूल की, तो उसमें कुछ आर्टिस्टों की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप जाइए और आपको काम मिलेगा। मैं एकदम चौंकना हुआ, मैंने देखा कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल चले आऊँगा। तो कहने कि हाँ कल जाइए, अब तो टाइम भी नहीं है। मैंने नेक्स्ट डे गया और मेरी मिसेज ने कुछ 54-58 चलते थे उस समय, वो इकट्ठी करके मुझे दे दी किराए के। कितना समय हो गया था आपका शादी का इस वक्त के अंदर, जब आप ये सिचुएशन आई थी कितना टाइम हो गया था शादी हुए? उस समय मेरे को कम से कम 10 साल के करीब हो गए थे। तो वो 54-58 इकट्ठी करी गई, हाँ, उसके बाद मेरे को दी उन्होंने और मैं फिर नोएडा गया, जाकर के ऑडिशन दिया। ऑडिशन हुआ, उन्होंने उसी वक्त मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं बड़ा चौंकना, मैंने कि ये सब ईश्वर की कृपा है। कौन सा रोल था वो, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो जानना चाहे। हाँ, उसमें एक राजकुमार एक फादर का रोल था, वो उन्होंने मुझे दिया था, करवाया था, और उन्होंने मेरे से एक ऑडिशन लिया था। तो ऑडिशन में उन्होंने कहा कि आप कुछ मुझे सुना सकते हैं, तो मेरे फादर का लिखा हुआ एक प्ले था अछूत कन्या, तो उसकी एक छोटी सी वो मैंने स्टोरी उनको सुनाई। जैसे सुनाई डायलॉग्स तो बड़े वो हो गए, भावी हो, कहने लगे सर हम आपको अभी और इसी वक्त फाइनल करते हैं, राजकुमार की भूमिका के लिए फादर का रोल है। और उन्होंने मुझे फिर वो दिया। फिर जब उन्होंने फंक्शन किया उस समय भी बुलाया, उन्होंने अपने अखबार के अंदर भी मेरा नाम दे दिया। फिर एक सज्जन बोले परमान साहब आए पाइए मेरे साथ, वो मुझे लेकर के मंडी हाउस आए। जैसे मैं मंडी हाउस आया तो यहाँ पर मुझे एक सज्जन मिले जिनकी एक टेलीफिल्म बनी थी सरगम, जिसमें कन्नू प्रिया जी थी। तो उन्होंने पूछा आर्टिस्ट में यहाँ, तो कहने गए कल सवेरे आप पटेल नगर आ जाइए। मैं गया पटेल नगर, शूट किया, जो मिला मैंने दिया चुस्कारा, फिर ला करके अपनी मिसेज जी के हाथ में रख दिया। तो ये आपकी ज़िंदगी का वो खट्टा मीठा अनुभव था जो जीवन के अंदर, जिसे कहते हैं एक कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो वो आपकी पत्नी थी। मैं मिसेज सुमन नानोलिया, सुमन जी थी, तो जिनकी वजह से आप पहली बार आपने इस फील्ड में कदम रखा। तो सुमन जी अगर हमें देख रहे हैं तो इस वक्त, सुमन जी अभी इस समय नहीं है संसद में। अच्छा। वो 8 साल हो गए उनको गए हुए। हाँ। पर ये तो ये तकलीफ हम आपकी आंखों में देख सकते हैं परवाना जी इस वक्त, क्या आप इस वक्त उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि अगर वो इस वक्त होते और देख रहे होते तो उन्हें कितना गर्व महसूस होता? वैसे उनके ऊपर मैंने एक चंद लाइनें लिखी हैं, अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे दर्शक सुन रहे हैं। तो ये वो यादें हैं और वो लाइनें हैं जो परवाना जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के लिए लिखी हैं। हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ गई, क्यों चली गई, क्यों चली गई, क्या हुई भूल जो मुझसे, यो तुम मुझसे यो तुम दूर गई। हर पल तुमको चाहा मैंने, हर पल तुमको माना मैंने, फिर भी तुम ही रूठ गई। तुम रूठी हो मैं ना लूँगा, ये मेरा विश्वास कि तुम रूठी हो मैं ना लूँगा, मैं आके तुमको पालूँगा। तुम प्राणों से भी प्रिय हो, मन तुमको फिर से पालूँगा। हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ गई, क्यों चली गई, क्यों चली गई। जी तो ये जो पंक्तियाँ सुनाई हैं ये परवाना जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के लिए सुनाई हैं, और ये सुनाते हुए परवाना जी थोड़े से भावुक हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी हों, जिस भी दुनिया में हों, वो स्वर्ग में हों और अच्छी हालत में हो, और जो भी
इस वक्त परवाना जी हमारे साथ हैं। परवाना जी, ये जो आपका सफ़र है लगभग 23 साल से जो आपका सफ़र चला आ रहा है, तो इस सफ़र के अंदर एक वक्त वो था जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते थे, आपको देखते थे और उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछा आर यू आर्टिस्ट, क्या आप आर्टिस्ट हैं, क्या आप कलाकार हैं, वो रोल मिल गया। लेकिन आज कितना आप ये समझते हैं कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है, जो आसानी से प्रतिभा पहले ढूंढ लेते थे लोग, आज उन प्रतिभाओं को ढूंढने में कितना मुश्किल हो रहा है या बहुत आसान हो गया है? क्या आज भी वो वक्त है कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सड़कों पे निकल के अपने पसंदीदा किसी भी आर्टिस्ट को चुन सकते हैं, या छोटे से रोल के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं? नहीं, कतारें तो लगती हैं, आज भी लगती हैं। लोग ऑडिशन के लिए बहुत जाते हैं, एक ऑडिशन होता है, एक करेक्टर होता है, उसके लिए सौयों आदमी होते हैं। मैंने बॉम्बे में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, काफ़ी लोग जाते हैं ऑडिशन। लेकिन डायरेक्टर की अपनी एक नज़र होती है, डायरेक्टर जो होते हैं वो उनकी एक नज़र ऐसी होती है कि जो चीज़ वो चाहते हैं जिस कलाकार से, तो वो उसको फौरन कैच कर लेते हैं, उनको देते हैं काम। जी, क्या आप मानते हैं पहले फिल्मों में जाना आसान था, आज मुश्किल हो गया, कंपटीशन हो गया? मेरे ख्याल से पहले भी कंपटीशन था, पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे और मैं अक्सर देखा करता था अपने फादर के साथ जब देखा करता था, तो वहाँ भी वो कंपटीशन में रहते थे। और आज भी बहुत कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन तो भरपूर है। मैंने जी, आपने लगभग जीवन के 40-45 साल इस फील्ड में गुजारे, आपने हर लाइन को देखते हुए, और 25 साल लगभग आपने इस फील्ड में गुजारे हैं, लेकिन आज का जो युवा है वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है जी। वो आपके नक्शे कदम पे चल के आगे अपने करियर के लिए एक सही रास्ता दे सकता है। जो ठोकरे एक बुजुर्ग कलाकार खाता है, वो चाहता है कि जो आने वाली जनरेशन है उससे बचा जाए, तो क्या ऐसे टिप्स हैं जो आज का जो नया कलाकार है, नया युवा है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो इन परेशानियों से बच के एक सीधा और अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता चुन सके, क्या टिप्स देना चाहेंगे जो नई युवा पीढ़ी है, कलाकार हैं? मैं आजकल के बच्चों को ये कहूँगा कि आप आइए, बहुत अच्छी फील्ड है ये, लेकिन आप अपना एक फोकस रखिए। ये नहीं कि अगर आपको काम नहीं मिला तो आप डायरेक्शन में चले गए, आपको काम नहीं मिला तो आप मेकअप में चले गए, आपको काम नहीं मिला तो आप क्या नाम है राइटिंग में चले गए। आप अपना फोकस बना के चलिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, सीधा सा परवाना जी का कहने का मकसद ये है कि अगर आप फिल्म लाइन में आ रहे हैं तो सिर्फ फिल्म लाइन के बारे में ही सोचें, डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में सोचें, अगर सिनेमाटोग्राफी में जा रहे हैं तो सिर्फ सिनेमाटोग्राफी पे फोकस रखें, यानी कि जो आपने एक गोल बनाया है उसको ज़रूर ध्यान रखें, आप भटके ना। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत स्कोप है, लेकिन आप अपना विजन बना के चलें। और जो आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त आपको युवा देख रहे हैं जी, जैसे कि आपने जद्दोजहद करी, मुझे आप बताना चाहें कि जो अगर फिल्म में कोई आना चाह रहा है या फिल्म लाइन में अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है, तो उसके लिए एक सीधा राइट वे क्या हो सकता है? और जैसे आजकल आपके ज़माने के अंदर आपने कहा कि आपकी मिसेस ने, सुमन जी ने, एक अखबार में विज्ञापन देखा और आपको कहा और आपको वहाँ काम मिल गया जी। लेकिन क्या आज के वक्त में अखबार के विज्ञापनों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, अखबार के विज्ञापनों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब इस फील्ड में आ रहे हैं तो एक तो थिएटर ज़रूर करिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा ये कि आप अगर कुछ समय इसमें लगाएंगे एक्टिंग के अंदर, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपना फोकस रखिए कि मेरे को एक्टर बनना है तो एक्टर ही हो, मेरे को डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर ही बनूँ, मेरे को राइटर बनना है तो राइटर बनूँ। ये नहीं कि आप इधर से उधर भटकना शुरू कर दें। अगर आपका फोकस बिल्कुल सही होगा, आप बिल्कुल अपने उस पर कहते हैं कि अपने फोकस पे बिल्कुल सही हैं कि मैंने एक्टिंग करनी है, अपनी मंजिल पालेंगे, अपनी मंजिल पालेंगे, अदरवाइज तो फिर आप भटकते रहेंगे। और सही लोगों के साथ आप बैठिए, सही लोगों के साथ काम करिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारी फील्ड के अंदर जो बहुत अच्छा सही रास्ता बताते हैं। परवाना जी, जो लोग आज का जो जनरेशन है वो पर्दे पर आना चाहती है, यानी कि स्क्रीन पर आना चाहती है, स्क्रीन के पीछे भी टेक्निकल फील्ड भी होती है, लाइटिंग फील्ड भी होती है, क्या सिर्फ इसी फील्ड में जाना बेहतर है या इसके अलावा भी फिल्म के अंदर और बेहतर चीज़ें हैं जिसमें करियर बनाया जा सकता है? हाँ, अगर आपको इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है एक्टिंग के अंदर, तो साल दो साल करके देखिए,
फिर उसके बाद आप चेंज कर लीजिए, आप डायरेक्शन में जाना चाहें डायरेक्शन देखिए, आप राइटिंग में जाना चाहते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप राइटिंग में जाइए। क्या परवाना जी, अपने आप को हम लोग अपने आप को जो दर्शक देख रहे हैं जो युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो खुद को अपने आप को कैसे कसौटी पर आँखें कि हम किस फील्ड के लिए तैयार हुए, किस फील्ड के लिए बने? ये तो सिर्फ आप जब तक कैमरे के आगे आ रहे हैं ये आपको कोई लाइक नहीं कर रहा, आपकी एक्टिंग में कमी नज़र आ रही है या आपका लक साथ नहीं दे रहा, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चेंज कर लें। लक मानते हैं परवाना जी आप? हाँ, मैं लक मानता हूँ, लक बहुत ज़रूरी है। हाँ। हर काम में लक है। हाँ। आप कोई भी, दो हलवाई होते हैं, एक हलवाई की दुकान ज़्यादा चल रही होती है कि कम चल रही होती है, क्यों? चीज़ वो भी बना रहा है, वो भी वही बना रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है? लक, लक बहुत ज़रूरी है और किस्मत के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जैसा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारी फील्ड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनको कई बार लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन लोगों को फिल्मों में रोल मिलेगा, और आज वो फिल्मी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसकी मिसाल। बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, भाई हैं और दोस्त वगैरह हैं जो उन्होंने लोहा बनवाया है, चाहे वो छोटे छोटे रोल करके आगे बढ़े हैं। और आज मैं भी, मैंने नहीं, मैं स्टार्टिंग में बड़े बड़े रोल करके निकला हूँ, मैंने भी छोटे छोटे रोल, मुझे जब भी किसी ने कहा कि ये रोल है छोटा है, मैं करूँगा, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं था, मैंने छोटे छोटे रोल करके मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैंने बहुत फिल्में कर रहा हूँ और आने वाली है मेरी बहुत सी फिल्में। और दूसरा ये, मैंने काफ़ी सीरियल दूरदर्शन के, राजस्थान दूरदर्शन, लखनऊ दूरदर्शन, बहुत जगह किए मैंने। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये मत देखो कि छोटा रोल है, नवाजुद्दीन साहब ने भी छोटे छोटे रोल किए हैं और आज देखो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, नहीं मनवा लिया। बिल्कुल। तो व्यक्ति एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं तो यही कहूँगा कि आप काम करें, दिल खोल के काम करें, आपको छोटा रोल मिलता है आप छोटा करिए, बड़ा मिलता है बड़ा करिए, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आगे बढ़ाएगी, आपको चांस मिलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परवाना जी, जिनकी जल्दी 7 तारीख को फिल्म लॉन्च होने वाली है। अगर शौचालय के ऊपर आधारित फिल्म है, क्या वो पैसा सही जगह पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, सरकार के लूप होल इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और वो मैसेज मिलेगा जिसके लिए हम लोग हर सुबह परेशान होते हैं। और वहीं दूसरी बात परवाना जी ने ये कही कि जो आप अपनी मंजिल बना रहे हैं या अपना विजन बना रहे हैं या अपना एक गोल अचीव करने की तैयारी में है, तो उस गोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे रोल भी आपके भविष्य के अंदर बहुत ज़्यादा कीमती साबित होते हैं। आप इस मिसाल को इस तरह लीजिए कि आपको अगर ऊपर किसी चीज़ पर चढ़ना है और अगर आपने स्टेयर्स लगा रखी है, यानी कि सीढ़ी लगा रखी है, और सीढ़ी में से एक या दो पौड़ियों को निकाल दिया जाएगा तो शायद आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो उन आर्टिस्टों को ये ख़ास तौर से परवाना जी की तरफ से ये हिदायत है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो थिएटर ज़रूर कीजिए, और छोटे रोलों को छोटा मत समझिए, क्योंकि यही छोटे रोल एक दिन आपको बुलंदी के उस आसमान पे पहुंचा देते हैं कि जहां से मुंबई की चकाचौंध के अंदर आपको एक फिल्मी सितारा कहा जाता है। कैमरा पर्सन टी ए चौधरी के साथ मैं आसिफ खान, इंडिया फायर न्यूज़ और सहयोगी चैनल के साथ, मंडी हाउस, नई दिल्ली से।